हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। भटूरे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ली है और इसमें मैं 100 ग्राम सूजी डालती हूँ। मैदा को मैंने पहले ही छान लिया था और अब सूजी को भी छान लेते हैं। अब मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डालते हैं। आधी कटोरी में दही डाल रही हूँ। अब इन सबको मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा गुनगुना पानी करके इसका सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब इसका सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है और इसे 2-4 बार ऐसे पटक पटक के इसे कर लेंगे सॉफ्ट। और फिर हम इसे रेस्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि गर्मी है इसलिए सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही हम रेस्ट पे रखेंगे। अगर सर्दी हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है। और 30 मिनट्स के बाद हम आटे पे ऑयल लगाएंगे और उसके बाद फिर बनाते हैं भटूरे। इसे थोड़े से गीला करके और कॉटन के कपड़े से हम ढक के रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस डो को। और अब इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ठीक कर लेते हैं। या तो घी डाल लीजिए या तेल डाल लीजिए और इसे चिकना कर देंगे। और अब तेल गरम कर लेते हैं और इसकी लोई भी तोड़ लेते हैं। जितने बड़े भटूरे आपको बनाने हैं उसी हिसाब से लोई ले लीजिए। मैंने इस साइज़ की ली है। लोई पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इसे बेलते हैं। इसे किनारों से भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अब इसे हम गरम तेल में छोड़ देते हैं। कढ़ाई में हमेशा इतना तेल लेना चाहिए कि ऊपर तक आ जाए ये भटूरे की, नहीं तो वो फूलते नहीं है। और हम तेल भटूरे के ऊपर डालते जाएंगे गरम।
अब भटूरा सिक गया है और इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इस तरह का निकाल सकते हैं, और अगर थोड़ा कम क्रिस्पी है तो थोड़ा जब वाइट वाइट रहे तब निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम और भटूरे तैयार कर लेते हैं। भटूरे अच्छे फूलने के लिए तेल का गर्म होना जरूरी है। तेल अच्छे से गर्म होगा तभी अच्छे से फूलेंगे। आप देखेंगे कितने अच्छे से फूल रहा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये भटूरे को निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम और भी सारे भटूरे तैयार कर लेंगे। अब ये भटूरे तैयार हैं खाने के लिए। इन्हें छोले के साथ सर्व करेंगे। मैंने पंजाबी छोले की रेसिपी पहले डाली हुई है वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये छोले भटूरे तैयार हैं खाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।